आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सपॉन्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। यानी कि जो भी आपको इस क्वेश्चन 4 के अंदर फॉलोइंग क्वेश्चन आएंगे उन सबका एक्सपांड करना है। एक्सपांड यानी कि प्रसार करना है, किसकी हेल्प से, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। जो भी उपयुक्त सर्वसमिका उसमें प्रयोग हो रही है उसका उपयोग करके हमको इसका प्रसार करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसे शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमने इसको देखा कि किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो सॉल्यूशन में हम इसको वन टाइम कॉपी करेंगे, x प्लस 2y प्लस 4 दैट का होल स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन किसके जैसा दिखाई दे रहा है, एक आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है क्या? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन वन की हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी के होल स्क्वायर से। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे ही मैंने कंपेयर किया, ए का वैल्यू बेटा यहाँ से मेरे को मिल रहा है एक्स, बी का वैल्यू मिल रहा है वाई, बी का वैल्यू मिल रहा है 2y, एंड सी का वैल्यू बेटा यहाँ से मिल रहा है मेरे को 4z। क्या मिल रहा है, 4z। तो सी का वैल्यू 4z आ गया, ठीक है। ए बी एंड सी ये सारे प्लस में, इसलिए मैंने प्लस में वैल्यू लिए। सपोज अगर ये माइनस का 2y होता है तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता, ठीक है। सिंस आपको ये वाली आइडेंटिटी बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर में मिल जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, जिसको हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये इसका एक्सपांशन होता है। सो देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पर x, b का है 2y एंड c का वैल्यू है 4z। इनका स्क्वायर करना है तो a की जगह लिखेंगे x का स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे 2y का स्क्वायर एंड c की जगह लिखेंगे 4z का स्क्वायर। लिख लिए यहाँ पर, अब 2ab बेटा सोल्व करेंगे तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू हमारे पास है x इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 2y, ठीक है प्लस, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें ये हो गया 2ab, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2bc की, तो 2 इंटू बी, बी इट मीन्स दैट 2y एंड c इट मीन्स दैट 4z प्लस, नीचे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आगे जगह नहीं है, तो 2 इंटू सी, सी का वैल्यू क्या है आपके पास 4z एंड a, तो a का वैल्यू क्या है आपके पास x है बेटा, ठीक है। तो ये हमने एक्सपांशन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये हो जाएगा बेटा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 था 4xy, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 था 4, 4 था 16yz, क्या हो जाएगा 16yz, और ये हो जाएगा 2 4 8zx, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपांशन। ये जो पार्ट था वो इसका पीछे का पार्ट था, ये वाला जो रिमेनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारा आंसर है। इसको आपको इकट्ठा ऐसे लिखना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और बहुत ईजी है, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखना है। कौन सी वाली, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वेलेंट टू होता है बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है x - 2x - y + z का होल स्क्वायर, इसको भी हमको सोल्व करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ की थी वही की वही आइडेंटिटी यूज़ करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ध्यान से देखें आप, बहुत आसान है इसको सोल्व करना। हमने इसको वन टाइम कॉपी किया बेटा, मैंने इसको ले लिया इक्वेशन वन। हिंदी में इस बार लिख रहा हूँ, समीकरण एक की तुलना ए प्लस बी प्लस सी के होल वर्ग या होल स्क्वायर से करने पर, इंग्लिश में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब भी हम तुलना करते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है, तो ए का वैल्यू यहाँ से मिल गया 2x, यहाँ से हमको ए का वैल्यू क्या मिल गया है 2x, एंड बी का वैल्यू क्या मिल गया है विद द साइन माइनस का वाई, एंड सी का वैल्यू मिल रहा है आपको यहाँ पर जेड। सिंस बेटा आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमको यहाँ पर यूज़ करनी है। सो देयरफॉर ए का वैल्यू है आपके पास क्या है 2x प्लस बी का वैल्यू है माइनस का y प्लस सी का वैल्यू बेटा क्या है आपके पास
प्लस का z, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि 2x जो आपका वैल्यू मिला उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि माइनस y का स्क्वायर, एंड c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a, a का मतलब है 2x बेटा, और b, b का वैल्यू है माइनस का y, प्लस ये हो गया आपका 2ab। अब आप सोल्व करोगे 2bc को, तो 2 इंटू b, b का वैल्यू क्या है माइनस का y इंटू c, c का वैल्यू क्या है आपके पास z, और 2c नीचे सोल्व कर रहा हूँ, 2 इंटू c यानी कि z और a मतलब 2x, ठीक है बेटा, c यानी z और a मतलब कितना हो गया यहाँ पर 2x हो गया। अब हम अगर इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर आपको पता है, जैसे 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, माइनस वाई का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस, और वाई की पावर वन, वाई की पावर वन मल्टीप्लाई में हो जाएगा वाई की पावर टू, ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर जेड स्क्वायर। अगर इसका सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा बेटा माइनस, ठीक है, टू टू ज़ा 4 और 4 बन जा 4y, ठीक, टू टू ज़ा 4 इसका कॉपिशेंट है 1, प्लस माइनस माइनस 2, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2yz, और इसको सोल्व करें तो ये कितना आ रहा है 2 टू ज़ा 4zx, तो क्या लिखेंगे प्लस का 4zx। अब ये वाला पार्ट ऊपर का था इसलिए मैंने वहाँ पे इसको कोट कर दिया, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू ज़ा 4z, और ये हो गया x, और यही बेटा आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा हमारा, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z और उसका होल स्क्वायर, इसको भी हमको सॉल्व करना है, एक्सपांड करना है, तो मैं इसके सॉल्यूशन में इसको वन टाइम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, माइनस 2x प्लस 3y 2z और इसका स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, तरीका बताया मैंने आपको, इस क्वेश्चन वन ले लो, ठीक है, इसकी कंपेयरिंग कर दो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय, किससे करोगे इसकी कंपेयर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। जैसे ही आप कंपेयरिंग करोगे आपको वैल्यू मिलेगा ए का माइनस 2x, बी का 3y, एंड सी का वैल्यू मिलेगा आपको 2z मिलेगा। सिंस आपके पास आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। देयरफोर आपको स्मॉल ए का वैल्यू लेना है माइनस का 2x प्लस बी का वैल्यू लेना है 3y प्लस सी का वैल्यू लेना है 2z और इसका स्क्वायर, स्मॉल ए का स्क्वायर यानी कि स्मॉल ए का वैल्यू कितना है माइनस का 2x, तो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर माइनस का 2x, माइनस का 2x इंटू 2ab यानी b, b का वैल्यू कितना है 3y, ठीक है बेटा, अब bc और ca में नीचे दिख रहा हूँ प्लस 2bc, तो 2 इंटू b, b का वैल्यू कितना है 3y इंटू c, c का वैल्यू कितना है 2z, ठीक है। अब बात करेंगे 2ca की, तो 2 इंटू c यानी कि 2z इंटू ए, तो ए यानी कितना आ जाएगा माइनस का बेटा यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा, इतना समझ आ रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 2x का स्क्वायर, तो माइनस का 2x का स्क्वायर बेटा निकालते हैं, देखो माइनस 2x इंटू माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू 2 ज़ा 4, x की पावर 1, x की पावर 1 हो जाएगा x की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 2। अगर इसकी बात करें 3y के स्क्वायर की, तो हो जाएगा 3 इंटू 3y इंटू y, तो हो जाएगा 9y का स्क्वायर, ठीक है, तो ये लिखेंगे हम 9y का स्क्वायर, और ये तो सिंपली आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर, आ रहा है समझ में। अगर इसकी बात करें तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, साथ में आएगा x और y, x और y अलग अलग वेरिएबल है इसलिए ऐड नहीं होंगे, इनकी पावर यहाँ पर ऐड नहीं होगी, ठीक है, सेम ही ऐड होते हैं, जैसे x का x से मल्टीप्लिकेशन ही ऐड होता है और y का y से मल्टीप्लिकेशन ही ऐड होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 2bc की, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12yz प्लस, इसकी बात करें तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और प्लस माइनस बेटा हो जाएगा माइनस 8, साथ में z और साथ में x, तो ये हो गया हमारा आंसर, किसका हो गया माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर का, क्या आया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8x। अब इसमें कुछ चीज़ मैं आपको नोटिस करना सिखाता हूँ, जिससे आपको इसे इसके जो अपोजिट क्वेश्चन आएगा उसमें हेल्प मिलेगी, तो वो क्या है, देखो बेटा यहाँ पर x नेगेटिव है, ठीक है,
तो जहां जहां x वन टाइम आएगा यानी कि विषम संख्या में आएगा वहां पर नेगेटिव होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर x एक ही बार आ रहा है तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर x एक ही बार आ रहा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ये x दो बार आया तो ये हो गया पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो गया? इसका यूज अगले क्वेश्चन में होगा, लेकिन आपको बता दूं मैं निरीक्षण के लिए, ऐसे इसके बाद वाले क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज मैं आपको बता दें, हर बार इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम एबीसी वाले इक्वेशन से करते थे, बट यहाँ पर हम एबीसी वाले इक्वेशन से नहीं करते हुए एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाले से करेंगे। क्या सर कुछ समझ नहीं आ रहा? तो बेटा हर बार मैं ऐसा लिखता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो इक्विवेलेंट होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए के, ठीक है। और इस बार हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। इसका यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा इक्वेशन ए बी सी में आ गया। यदि मैं इसकी कंपेयर इसी से करता हूँ तो आपको वैल्यू लेट करने में परेशानी होगी, तो आपको वैल्यू लेट करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो बेटा यदि आपको थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, जब ए बी सी में क्वेश्चन आए तो आपको एक्स वाई जेड में मानना है, और जब एक्स वाई जेड में क्वेश्चन आए तो ए बी सी से मानना है, दोनों सेम आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन फोर के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस 7b माइनस सी, और इसका बेटा आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो मैंने इसको दे दिया इक्वेशन वन। इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय समीकरण एक की तुलना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अफकोर्स इसे करेंगे, वैल्यू बताओ x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 3a एंड y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा माइनस का 7b एंड z का वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू आएगा माइनस का सी। मेरी बात समझ में आ रही है? विद द साइन वैल्यू लेट करना है, x का वैल्यू 3a, y का वैल्यू माइनस 7b और z का हो जाएगा माइनस सी। सेंस आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। x का वैल्यू क्या है आपके पास, 3a प्लस ये है माइनस का 7b प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, z को लिखोगे माइनस का c, ठीक है। और x का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y यानी कितना है माइनस 7b इसका स्क्वायर किया प्लस z का स्क्वायर मतलब माइनस के 7c का स्क्वायर 2xy 2 इंटू x का वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 3a है इंटू y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है माइनस का 7b प्लस, अब करेंगे 2yz को 2 इंटू y का वैल्यू आपके पास कितना है माइनस का 7b और z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू आपके पास माइनस का 7 माइनस का सी, अगर वहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ ले लो, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या सोल्व करना है, 2zx, तो 2 इंटू z का वैल्यू कितना है माइनस का सी और x का वैल्यू कितना है 3a, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, 3a का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर होगा 3 इंटू 3 9, और अगर a के स्क्वायर की बात करेंगे तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो हो जाएगा 49, और माइनस के कार माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 49b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कैसे होगा, माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाई माइनस सी हो गया पॉजिटिव सी, लिख लिया। अब इसकी बात करें तो 2, 3, 6, 6, 7, 42 तो जो हो जाएगा माइनस का 42ab, ये इतना सॉल्व कर लिया। इसकी बात करें बेटा ये माइनस और माइनस दो माइनस तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2, 7, 14 2 इंटू माइनस का 7b था आपके पास, यानी कि 2yz में क्या था माइनस का 7b और z में क्या था माइनस 7c, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 7 2 हो गया 14 और साथ में आएगा bc, साथ में क्या आएगा bc 2, 7, 14 माइनस माइनस प्लस और साथ में आएगा bc, ठीक है। और अब 2c की बात करेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 6 और ये सबसे पहले देखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2, 3, 6 और साथ में आएगा ca, तो
तो ये हो गया बेटा आंसर। अब एक चीज़ फिर से यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, जो पिछले क्वेश्चन में भी नोट करवा रहा था कि जैसे आपने बेटा देखा कि जहाँ पर बी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव, तो जहाँ बी और सी वन टाइम आएंगे वो नेगेटिव होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो बी वन टाइम है नेगेटिव, अब यहाँ पर देखो ये ए जो है लास्ट वाला सी है, ये वन टाइम है, ये नेगेटिव। क्या सर यहाँ पर भी तो दोनों वन टाइम ही है, तो ये प्लस कैसे हो गया बी और सी? तो एक बात ध्यान रखना कि ये बी और सी दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको चिन्हों का ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। और यदि आपको और कुछ भी डाउट हो, इससे भी बेसिक आपका लेवल है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर ऐसे बना के दूंगा जहाँ पर ये भी बता दूंगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखना है, थोड़ा यहाँ पर फ्रैक्शंस में आ रहा है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा फ्रैक्शंस का ध्यान रखना है। 1/4a, तो इस 1a को मैं डायरेक्ट a/4 लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ 1b मल्टीप्लिकेशन, तो -b/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ 1/1, और इसका स्क्वायर, ठीक है। आपको स्क्वायर फाइंड करना है, सबसे पहले इसका कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे बेटा? अगर ये एबीसी में है तो करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर से करने पर, ठीक है। यदि हम कंपेयर करते हैं तो वैल्यू मिलता है, एक्स का वैल्यू है a/4, वाई का वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का b/2, एंड जेड का वैल्यू है 1, या 1/1 भी बोल सकते हो। सिंस आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, दिस इज एनी आइडेंटिटी। नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a/4 प्लस y का वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, माइनस का b/2 प्लस c z का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, इस 1 और इस पूरे का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। अगर हम x की बात करें, x का स्क्वायर करना है तो x का वैल्यू है a/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू a/4 है, प्लस y का वैल्यू क्या है, माइनस का b/2, तो बेटा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस z की अगर हम बात करें तो z का वैल्यू है 1, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं। यदि हम 2xy को सोल्व करें तो 2 × x का वैल्यू कितना है आपके पास, a/4 इंटू वाई की बात करें तो माइनस का b/2 प्लस, ये हो गया 2xy प्लस 2yz, 2 × y का वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का b/2 इंटू z का वैल्यू आपके पास 1, ठीक है, प्लस 2 × आपके पास बेटा लास्ट में क्या आएगा, zx, 2 × 1 इंटू x का वैल्यू है आपके पास a/4, ठीक है, जो कैंसल हो रहा है उसको कट कर देंगे। इसको आप एज इट इज लिख सकते हो, a/4 प्लस माइनस माइनस b/2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, अगर अभी तो करना ही नहीं, एक्चुअल में अगर करते भी तो भी 1 ही होता है, ठीक है। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 × 2 = 8 नहीं होगा बेटा, फिर 4 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर होगा b² 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, 1 या 1/1 भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, a और b प्लस माइनस बेटा हो जाएगा आपके पास माइनस, ये है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ए बी आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में ओनली क्या बचा है 4, तो क्या लिखोगे ab/4, और ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, बी बन जा बी, एंड 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम आया a/2 और वो भी प्लस का, तो क्या लिखोगे प्लस का a/2, तो बेटा ये आपका इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इसको सिर्फ 1 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल TVK मैथ क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। कि सर सब्सक्राइब कैसे करें, साइन में आपके पास नीचे YouTube चला रहे हो तो सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसको क्लिक करें।
कैसे भी करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।